गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल जन्नत व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो गाइस, एकदम से हमारा कहीं जाने का प्लान बना और बहुत रात को, क्या 8 बजे है, और 8 बजे मतलब यहाँ अगोर जैसे छोटे शहर में तो 8 बजे में बहुत बड़े मतलब बहुत लेट हो जाता है। इस टाइम हम मतलब एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि हमें जाना पड़ रहा है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मतलब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर मैं आपको मिलती हूँ। सॉरी, मैं जा रहा हूँ घर। ये हमारे पर्सनल ड्राइवर हैं, प्लीज़ आप इनसे भी मिलो। गाइस, सब हम आपको अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं। ओ, हम पे लाइट आ गई, शुक्र है। यार ये तो क्या लो, पहुंच चुके हैं मार्केट में, बट अभी भाई और भाभी का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो जीजू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे ब्लॉग के लिए। तो भाई सब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अब हम मिलते हैं आपको, जो हमारा एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है वहाँ मिलते हैं। हम आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। हम इतनी रात को निकले हैं और ये सभी देखो, हमारी जो घर की पार्टी वो सारी गोलगप्पे खाने आई हुई है। जब भी गोलगप्पे खाने आते हैं तो मैं इनके पास ही आती हूँ। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं ये भैया, और मुझे एक्स्ट्रा भी देंगे क्योंकि मैं इनकी वो प्रमोशन कर रही हूँ ना, इसलिए। वो देखो, काजल हो रही है खाने में व्यस्त, और ये खाती रहती है सारा दिन, और इसको कुछ काम भी नहीं है खाने के अलावा, और सारे ही बर्गर के अंदर घुसे पड़े हैं। पहले बर्गर पे टूट पड़े थे और मोमोज के लिए ऐसे पागल हो रखे हैं ये लोग। देखो इस शख्स को, ये तो बहुत ज़्यादा पागल हो रखे हैं। लुक एट योर सनी। अब खा रहे हैं ये आइसक्रीम, और ये बिल्कुल भी खाते खाते थकते नहीं है, और बोल रहे हैं अभी हमें आइसक्रीम खानी है और फिर इनको देन पार्क में इंजॉयमेंट करनी है। बट क्या करें, माननी भी पड़ती है और इंजॉय भी ज़रूरी है लाइफ में। तो आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए एक बार आप मुझे देख लो, जब हम मिलेंगे सभी तब खाएंगे। ये काजल आइसक्रीम दिन में 3 बार खा चुके हैं आज, बट फिर भी इनका शौक पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो आइसक्रीम खानी पड़ेगी। ओके ठंडन इंजॉय। बोलती भी रहे, मेरा कोई पार्टनर नहीं बन रहा है, सभी अपने अपने पार्टनर्स बन बन के बातें कर रहे हैं, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। देखो ये देखो, भाभी और देवर को दोनों कैसे लगे हुए हैं, और वो हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, चेतन जी भी लगे हुए हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं क्या करूँ, बताओ मेरे साथ ऐसे जुल्म होता है, मैं ये जुल्म से नहीं कर सकती। बताओ गाइस क्या करूँ मैं। जिस जॉब कर रही हूँ ऐसे सीरियस मत ले लेना, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी।